In this section, we are going to talk about the factors that can cause shifts in the supply of a bond or a financial asset. So, there can be a number of factors. As we know that if there is a change in the price, we will be moving along the supply curve. But if there are changes in factors like the government is experiencing a deficit in its budget. डेफिसिट का मतलब क्या है कि उनके पास जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हैं और उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं और अब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो कहाँ से लेगी वो क्या करेगी उसके पास एक आसान तरीका ये है कि वो बॉन्ड्स इशू कर देती है तो ऐसे के सिचुएशन में क्या है कि देर कैन बी दिस वन रीज़न जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि आपका जो सप्लाई ऑफ बॉन्ड है वो इंक्रीज कर गया है और उसकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो द सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स ड्यू टू नंबर ऑफ़ फैक्टर्स लेकिन उनमें से जो तीन अहम फैक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली बात कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है यानी कि आपने कहा कि बहुत एकदम तरक्की होनी शुरू होगी पाकिस्तान में और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लोगों को नज़र आ रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक साल गुजर जाने के बाद जो अभी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें मिल रहा है सपोज तो छसेंट है छः फीसद वो फ्यूचर में वो बारह फीसद या दस फीसद होने वाला है और उससे आगे जाएंगे तो ये और मजीद बढ़ जाएगा तो इफ वी सी दैट देर इज देर इज एन इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर तो दैट ऑल्सो कैन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स आप क्या करते हो आप कहते हो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है फ्यूचर में लिहाजा हम क्या करेंगे हमें ज्यादा पैसे चाहिए हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने जो पैसे बोरो करने हैं तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू कर देते हो मार्केट में और उसके रिटर्न में आपको पैसे मिल जाते हैं तो उतने टाइम पीरियड के लिए जितना आपने जितने टाइम पीरियड की मेचोरिटी वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड आपने मार्केट में बेचा है तो आपके पास आपको ज़्यादा मनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी यू आर सीइंग के सींगे इंक्रीज करने वाली है तो देर वुड बी एन इंक्रीज इन द क्वान्टिटी देर वुड बी इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि कोई को, कोई किस्म की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है इकोनॉमी में और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी लो देखने को मिल रही है और एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में इट विल फर्दर गो डाउन एज अ रिजल्ट देर वुड बी नॉट दिस वुड नॉट बी अ गुड आइडिया टू इशू बॉन्ड्स टू टेक मनी फ्रॉम द पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट रिजन बिकॉज इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको अच्छा रिटर्न ही नहीं मिलने वाला तो आप ऐसे के सिचुएशन में जो आपकी सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी सिमिलरली हमारे पास अगर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज करने वाली है या डिक्रीज करने वाली है दैट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या बॉन्ड्स की अभी हम बात कर रहे थे और तीसरी अहम बात ही जो मैंने शुरू में बताई कि अगर गवर्नमेंट की जो बजट के अंदर डेफिसिट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे या डिक्रीज कर जाएंगे तो वो भी कॉज करते हैं सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करने में इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में तो इफ़ वी डेलिब्रेट ऑन दिस पॉइंट वी कैन से दैट इफ़ सपोज़ हम डायग्रामेटिकली इसको इलास्ट्रेट करने के लिए इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डायग्राम्स को देख रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया यू विल बी नीडिंग मोर मनी टू इन्वेस्ट एंड वेन यू विल बी नीडिंग मोर मनी टू इन्वेस्ट यू विल बी इशूइंग मोर बॉन्ड्स मोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट सो दैट मोर एंड मोर मनी कैन बी कलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज बिकॉज यू आर सीइंग ब्राइट फ्यूचर प्रॉफिट गोइंग अप इन द फ्यूचर एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड्स एंड दैट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ द ब्राउन कर्व इनिशियल सप्लाई कर्व हमारा पॉसिबली स्लोपिंग है ब्लू लाइन अब वो इंक्रीज कर गया है एज अ इट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ दिस ब्राउन लाइन विच इज शोइंग अ फॉरवर्ड मूवमेंट इन द फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कब इसी तरह से अगर आप एक्सपेक्ट अगर आप देख रहे हो कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो इस किस्म के सिचुएशन में क्या होगा आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा आपका जो सप्लाई कब है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और एज अ रिजल्ट वॉट हैपन्स के दप्लाई कर्व इज सीन एज अ ब्राउन लाइन इनिशियल लाइन आपका ब्लू था इसी तरह से गवर्नमेंट डेफिसिट की मैं आपको बात बता रही थी कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि हमारा तो डेफिसिट इनक्रीज करने वाला है हमारे पास जो पैसे रेवेन्यू टोटल हमने जो खर्च कर दिया है वो पैसे ज़्यादा हैं और जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है दैट इज लेस दो डेफिसिट अगर सपोज इंक्रीज कर गया तो यू विल बी नीडिंग मोर मनी टू फाइनेंस डेफिसिट उस डेफिसिट को मीट करने के वास्ते आप बोरो करे हो मनी किसके फॉर्म में अगर आपने बॉन्ड्स के फॉर्म में बोरो करना है तो फिर आपको इंक्रीज इन द सप्लाई करना पड़ेगा ऑफ बॉन्ड्स और दैट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और हमें देखने को मिल रहा है कि ब्राउन लाइन जो है वो आपको सप्लाई कर्व फॉरवर्ड सप्लाई कर्व दिखा रही है